योर ऑनर, अभी अभी आपने हिंदुस्तान के बहुत ही काबिल वकील मिस्टर व्योमकेश मुखर्जी को सुना, मुलजिम के बचाव में तकरीर करते हुए सुना और देखा। तकरीर के दौरान मैं सोच रहा था कि मैं इस अदालत में एक वकील की तकरीर सुन रहा हूं या स्टेज पर एक आला दर्जे का अदाकार देख रहा हूं। मगर योर ऑनर, ये कोई सन्यासियों का मठ नहीं है, ये थिएटर का स्टेज नहीं है, ये अदालत है। और यहां पर मुकदमों का फैसला मुलजिम के चालचलन, उसके चेहरे पे भोलेपन, उसकी शानदार यूनिफॉर्म या सोसाइटी में उसके ऊंचे दर्जे को देखकर नहीं किया जाता, बल्कि अदालत में पेश हुए सबूत और बयानतों के बिना पर किया जाता है। कानून के बुनियादी उसूल है कि कोई किसी की जान नहीं ले सकता या कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। योर ऑनर, हमको इस चीज से कोई गरज नहीं है कि मुलजिम क्या था और क्या है, हमको तो सिर्फ इस चीज से गरज है कि मुलजिम ने क्या किया और क्या नहीं किया। मेरे फाजिल दोस्त ये मानते हैं कि मुलजिम अपनी बीवी से गुफ्तगू करने के बाद पिस्तौल लेकर अशोक के घर की तरफ रवाना हुआ। उनका यह कहना है कि वो सिर्फ बातचीत के इरादे से पिस्तौल लेकर भाग गया। काबिले गौर है योर ऑनर, सिर्फ बातचीत के इरादे से और पिस्तौल लेकर, यानी वो यही यकीन कराना चाहते हैं कि एक आदमी अपनी बीवी की कलंक की दास्तां सुनकर कलंकार के घर सिर्फ बातचीत के इरादे से गया, वो भी पिस्तौल लेकर। और अनिल ने अशोक को जानबूझकर नहीं मारा, वो बदकिस्मती से जानबूझकर खुद मर गया, सिर्फ अपनी बदकिस्मती की वजह से। मेरे भाई दोस्त यह भी मानते हैं कि झगड़ा हुआ था। अब अहम सवाल यह उठता है कि अगर झगड़ा हुआ था तो पिस्तौल के ऊपर किसकी उंगलियों के निशान थे? फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट रिपोर्ट के मुताबिक पिस्तौल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुलजिम की उंगलियों के निशान थे। इसके बाद कोई शक और शुबा की गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि मुलजिम ने पिस्तौल चलाया और जानबूझकर चलाया। योर ऑनर, आज इस देश का इंसाफ, इस देश का कानून और इस देश का विधान अजमाई से अमल है। आपके इस फैसले का इंतजार ना सिर्फ मैं, मेरे अजीज दोस्त मिस्टर मुखर्जी, मुलजिम और उसके रिश्तेदार ही नहीं बल्कि मुल्क के कोने कोने पर सब लोग कर रहे हैं। योर ऑनर, अगर मुलजिम को बेकसूर करार दिया गया तो कानून की इस इमारत की दीवारों में दरारें पड़ जाएंगी और आने वाली नस्लें इसमें अपने जानो माल की हिफाजत की आने के बजाय इससे दूर भागेंगी। इसलिए ख्याल रखा जाए कि कानून की तारीख लिखने वाला कहीं इस मुकदमे का जिक्र करते हुए अपनी आंखें नीची ना कर ले। मेरे फाइल दोस्त का कहना है कि बेकसूर को रिहा होना चाहिए, मगर योर ऑनर, कसूरवार को सजा मिलनी ही चाहिए। इंसाफ की इज्जत और कानून की हिफाजत के लिए योर ऑनर, अनिल कुमार सहानी कसूरवार है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। थैंक यू ऑनर।